आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं, सब किले सिकुड़े भूल जाओ, जिंदा रहना है, अपनी जमीन बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है, वोट डालने का काम करो। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। ज्यादा समय न लेकर के आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ विजय मनोज कुमार जी, लेकिन योगी तो ना तो मेहनत जैसे लगते ना ही वो मेहनत करते हैं, क्यों चिंता कर रहे, जनता कर देगी आपके। जिस व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, मेरे नौजवानों की नौकरी छीन ली, जिस व्यवस्था के चलते जिस जनपद के गन्ना मंत्री हैं वे अपने क्षेत्र के किसानों के साथ भी न्याय नहीं कर पाते, एक भी तारीख 5 साल में हमने, और आपने देखा है, आप भी गवाह हो, एक ऐसी तारीख एक ऐसा पल नहीं आया कि योगी जी ने किसी पूंजीपति को या बड़े आदमी को कटघरे में खड़ा किया हो। अगर अपने बेटे पे विश्वास करते हो, मुझे एक मौका देना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है 2022। लगता है कल वैट पे कुछ छूट और दे दे, हो सकता है बिजली की कोई बात कर दें, मुझे ज्यादा विश्वास तो नहीं है, वो तो औरंगजेब को गाली देकर चले जाएंगे, वो कैराना पलायन पे कहेंगे, लिखवा लो मुझसे, उसके अलावा कुछ नहीं कहने के, गन्ने पे कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमने गन्ने पे इतना जो है पैदावार करा दिया, कभी खेत में तो गए नहीं, वो तो बछड़ों के बीच घूमते हैं, खेत में तो गए नहीं। तो जैसे ये खेती का भी नाश कर रहे हैं, ये जो छुट्टे घूम रहे हैं खेतों में, ये भी तो नाश कर रहे हैं, किसान का नाश है, और ये सत्ता में बैठे हैं तो ये भी आपका नाश कर रहे हैं, तो छुटकारा लो, इनका इलाज करो। एक एक दिन बहुत कीमती है, अब वक्त नहीं बच रहा, 4 महीने नहीं बच रहे, एक एक दिन बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं मुझसे मिलने की होड़ मत करना, दिल्ली की दौड़ छोड़ दो, कोई टिकटार्थी अगर टिकट चाहता है हासिल करना, दिल्ली आना बंद करे, गांव में जाए, क्षेत्र में जाए, किसानों में जाए।